सो हे गाइस, गुड नाइट एवरीवन। ये वाला व्लॉग स्टार्ट हो रहा है गुड नाइट से, बिकॉज कल सुबह मेरे को जल्दी उठना है और शायद टाइम नहीं मिलेगा इंट्रो शूट करने का, तो अभी मैं शूट कर ले रहा हूँ। क्योंकि कल सुबह मैं पहली बार मतलब इंजरी के बाद पहली बार, जो मेरा स्पाइन इंजरी हुआ था उसके बाद 3 महीने का रेस्ट किया था। अभी मेरे कोच ने बोला है मैं डेडलिफ्ट मार सकता हूँ बट लाइट वेट में, ठीक है। तो कल हम डेडलिफ्ट मारेंगे, तो डेडलिफ्ट का एक सेशन रहेगा बहुत ही तगड़ा, और ऊपर से रहेगा तुम्हारा बैक का थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, ठीक है। तो कल के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कुछ बोलने नहीं वाला। कल सुबह उठ के मील लूँगा और डायरेक्ट तुम लोगों से जिम में मुलाकात होगा, ठीक है। अच्छे से होगा, देखना, देखते हैं स्ट्रेंथ वगैरह क्या, स्ट्रेंथ तो गिरेगा ये तो मालूम है, तो फिर भी देखते हैं डेडलिफ्ट का कैसा जाता है नहीं जाता है। सो भाई लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज अर्णवदेव मलिक, यू आर वाचिंग अरुण्स फिटनेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग बेटर एंड हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो भाई लोग, तुम लोगों से मिलते हैं कल सुबह, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय। द नेक्स्ट मॉर्निंग, सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बहुत लेट हो चुका है, मतलब रात को जब सो रहा था तब 2 दिन बाद मेरा नींद टूट गया था, क्योंकि अभी कटिंग फेज में हूँ ना, खाना बहुत कम हो चुका है तो नींद ध्यान से आता नहीं है, तो कभी कभी नींद टूट जाता है, ठीक है। तो बाय द वे अभी हम जिम जाने वाले हैं, उसके पहले एक तगड़ा सा मिल लेंगे, ठीक है। देखो ये है मेरा अभी सुबह का ब्रेकफास्ट भी बोल सकते, उसको प्री वर्कआउट मील भी ले सकते। मैं अपना ब्रेकफास्ट और प्री वर्कआउट मील ज़्यादा ही हेवी रखता हूँ, क्योंकि मेरे को इंटेंस वर्कआउट में अच्छा लगता है, बट फील भी अच्छा था। और मैं एम्प्टी स्टमक कार्डियो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे जो ट्रेनर है उन्होंने बोला है अभी ज़रूरत है नहीं एम्प्टी स्टमक कार्डियो का, तुम शाम को जाकर कार्डियो कर सकते हो नॉर्मल, ठीक है। तो अभी ये मेरा मील है, इसमें 50 ग्राम ब्लूबेरीज, 100 ग्राम पपीता, 60 ग्राम रॉ ओट्स, उसके साथ 1 स्कूप वेगन प्रोटीन, तुम्हारा एक छोटा स्कूप मतलब 3 ग्राम का स्कूप का एल ग्लूटामाइन, ठीक है, और सम चिया सीड्स एंड पम्पकिन सीड्स, और ये है 2 होल एग्स। बस ये खा के आई मैं जिम जाने वाला हूँ, ठीक है। चलो ये खा लेते, उसके बाद तुम लोगों से बातचीत करते हैं, बाय। सो हे गाइस, अभी हम निकल चुके हैं घर से, अभी आज संडे है, तुम लोगों को मालूम ही जल्दी जिम बंद हो जाएगा 12:30 के अंदर, अभी 9:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं जल्दी से, और बात करने का दम नहीं मिल रहा है, क्योंकि कटिंग फेज में है ना काब्स इतना कम हो चुका है, ऊपर से एनर्जी का नाम के कुछ है नहीं, फैट्स खाना पड़ रहा है और सिर्फ प्रोटीन इंटेक थोड़ा हाई है और कुछ नहीं, ठीक है। फिलहाल चलो जाते हैं जिम। और मेरे को विंटर में एक अच्छा चीज़ लगता है ये हुडी पहनने का, अच्छा लगता मतलब ओवर साइज जो शर्ट वगैरह होता है ना, टी शर्ट वगैरह, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, इसलिए विंटर मेरा फेवरेट सीजन है। सो भाई लोग, आज के वीडियो में लास्ट तक देखना, क्योंकि आज तुम लोगों से मैं अपना जो सप्लीमेंट स्टैक है, मतलब जो फैट लॉस के लिए मैं जो सप्लीमेंट वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, जितना जितना सप्लीमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसका पूरा का पूरा डिटेल्स मैं आज तुम लोगों को बोलूँगा। जिम करने के बाद जब घर जाऊँगा, मील लूँगा, उसके बाद तुम लोगों को डिटेल्स में बोलूँगा, और वीडियो में बने रहना, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना अच्छा होगा। और एक बात बोलूँगा, जो जो सप्लीमेंट बोलूँगा बहुत ही चीप होगा, और ज़्यादा उसमें मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी हो सही है, और जो बंदा फैट लॉस करना चाहता है, मतलब जो स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, जो मतलब थोड़ा उम्र के हैं, मतलब जो लोग अर्न करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी सेम ही सप्लीमेंट्स तक रहेगा, ठीक है। बहुत सारे बंदे ने मेरे को इंस्टाग्राम में पूछा था, भैया आपका जो सप्लीमेंट्स वाला एक बार वीडियो करके बनाइए, तो इस वाले व्लॉग में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहो, ठीक है। और ऐसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी बहुत लेट हो चुका है, चलो जिम जाते हैं। पैदल जाना पड़ रहा है, क्योंकि साइकिल में चला जाता मैं, क्योंकि पैदल जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए, पैदल जाने के लिए मेरे को 20 मिनट लगता है, और साइकिल में मेरे को 5 से 6 मिनट लगता है। पैदल जा रहा हूँ, ऊपर से कार्डियो भी हो जा रहा है, बॉडी थोड़ा वार्म अप भी हो जा रहा है, ठीक है। तो स्मार्ट वर्किंग करो, ठीक है, हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा दिन में 45 मिनट्स का कार्डियो है, अभी यहाँ पे 20 मिनट्स का कार्डियो हो गया, ठीक है, तो बाकी मेरा 25 मिनट्स कार्डियो है, शाम को मैं कर लूँगा। चलो जिम जाते, उसके बाद तुम लोग से बातचीत करते हैं, बाय। 2000 years later। सो हे गाइस, अभी हम जिम आ चुके, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ा पुल अप्स हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट डेडलिफ्ट में जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं।
हमारा इस वर्कआउट खत्म हो चुका है। 10 out of 10 भाई, 10 out of में मतलब 11-12 भी दे दूंगा। बहुत बढ़िया रिकॉर्ड था, बहुत बढ़िया। वीडियो के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, मतलब जब जिस दिन मैं यूट्यूब के लिए वीडियो करता हूँ ना भाई, डॉक्टर लोगों से सच बोल रहा हूँ, उस दिन मेरा वर्कआउट 2 घंटा 2.5 घंटा चल जाता है। क्योंकि जैसे मैं 1 घंटा 30 में ख़त्म कर देता हूँ, बट जिस दिन मेरा रहता है यूट्यूब का वीडियो, उस दिन मैं 2-2.5 घंटा लग जाता है ख़त्म करने में वर्कआउट। तो उसी चक्कर में लेट हो गया आज, भूख भी लगा है बहुत। घर जाते हैं और हम खाएंगे बिरयानी। हाँ, फैट लॉस में बिरयानी, हाँ भाई, घर में बना हुआ बिरयानी है, सब कुछ मेजरमेंट किया हुआ है, चिकन फिर चिकन राइस ऑयल सब कुछ मेजरमेंट किया है, ठीक है। चलो घर जाते हैं, उसके बाद हम लोगों से बातचीत करते हैं। सो दिस इज़ माई पोस्ट वर्कआउट मील, 75 ग्राम राइस, उसके साथ है तुम्हारा 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट और थोड़ा सा ग्रीन सलाद, टमाटो, कैरेट, क्यूकम्बर, ऑनियन, दैट्स इट। जिस चीज़ का तुम लोगों को इंतज़ार था, ठीक है, तो यह है मेरा सप्लीमेंट स्टैक। एक एक करके तुम सबको दिखा रहा हूँ मेरा फैट लॉस की जर्नी में मैं कौन सा सप्लीमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला सप्लीमेंट जो है तो यह है मेरा प्लांट प्रोटीन, ठीक है, मसल ब्लेस का प्लांट प्रोटीन है। तो तुम लोगों को पता ही है, जो लोग मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं, ठीक है, यूट्यूब का वीडियो, जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं, उन लोगों को मालूम है कि मैं लैक्टोज इनटॉलरेंट हूँ। तो मेरे को कोई भी प्रोटीन, व्हे प्रोटीन आइसोलेट या कुछ सूट नहीं करता है, ठीक है, हाइड्रोलाइज्ड आइसोलेट सूट करता है, बट वो बहुत महंगा है भाई, अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं है ख़रीदने का। तो सीधा मैं मसल ब्लेस का प्लांट प्रोटीन ले रहा हूँ, और सही में ये अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है, तुम देखते हो रिच इन चॉकलेट फ्लेवर, तो ये बहुत ही बढ़िया है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका, ट्राई कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। सेकंड सप्लीमेंट है मेरा GNC का एल ग्लूटामाइन, ठीक है, एल ग्लूटामाइन 5000 mg। ये मैं 21 को भी यूज़ करता हूँ, जब मैं ये लेता हूँ प्रोटीन, उसके साथ में एक्स को भी डाल देता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारे रिकवरी में और मसल ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है एल ग्लूटामाइन। सेकंड सप्लीमेंट है गोल्ड सीरीज BCAA एडवांस, क्योंकि मैं इसको लेता हूँ तुम्हारा, देखो अभी मेरा बॉडी ऐसा है ना, मैं कैफीन इंटेक बहुत ज़्यादा करूँगा तो मेरे लीवर में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो बहुत बातचीत करने के बाद लीन मसल मास को फ्यूल करने के लिए और रिकवरी करने के लिए, तो और काफ़ी अच्छा है मेरे लिए, तो एक बहुत ही अच्छा है। अभी बहुत सारे यूट्यूब के सो कॉल्ड ज्ञानी बोलेंगे भाई BCAA बेकार है तो क्यों यूज़ कर रहा है, फिर भी मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इससे अच्छा लगता है। मेरा जैसे देखो, तुम लोग अगर कोई बंदा कटिंग में तो प्री वर्कआउट खा के वर्कआउट करने जा रहे हैं, मैं वर्कआउट के ड्यूरिंग इंट्रा वर्कआउट में एनर्जी के हिसाब से BCAA ले रहा हूँ, ठीक है। अब कोई बोलेगा भाई इसके जगह तुम ग्लूकोन डी ले सकते हो, हाँ ले सकता हूँ भाई, बट ग्लूकोन डी में कभी कभी पता है शुगर बहुत ज़्यादा आ जाता है, कार्ब्स बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसमें उतना कार्ब्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। मैं इसका एक स्कूप लेता हूँ जिनसे का, अगर कोई बंदा ये अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इसका प्राइस है तुम्हारा, हाँ इसका प्राइस है 2999। ये अमेजन में मेरे को 1700 में मिला था, ठीक है। अगर कोई ये ख़रीदना नहीं चाहता है तो मत खरीदे, वो नॉर्मल कॉफ़ी के पाउच से भी वर्कआउट से पहले ले सकता है एनर्जी के लिए। मैं इसको जस्ट क्या यूज़ करता हूँ, एनर्जी के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा अभी कार्ब्स बहुत कम चल रहा है, तुम लोगों को ये मालूम है, ठीक है। तो मैं एनर्जी के लिए BCAA यूज़ कर रहा हूँ, एडवांस फार्मूला है, ठीक है। सेकेंड सप्लीमेंट है मेरा फिश ऑयल, सुपर स्ट्रेंथ फिश ऑयल HK वाइटल्स का, तो ये बहुत अच्छा है, मतलब मैंने ट्राई किया है, ऐसा कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है इसका, बट मैं जो ले रहा हूँ तुम लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मत देखना ये पूरा फुल है, ये देखो मैंने इसको यूज़ किया है, ठीक है, मैं खोल के भी दिखा देता हूँ तुम लोगों को, ये देखो मैंने यूज़ किया है, ठीक है, अभी काफ़ी हद तक ख़त्म भी हो चुका है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मल्टीविटामिन मैं A to Z का ले रहा हूँ, ये नॉर्मल केमिस्ट के शॉप में तुमको मिल जाएगा, मैं कोई जाने माना ब्रांड का नहीं ले रहा हूँ, ये मल्टीविटामिन बहुत ही बढ़िया है। मैं अब से नहीं, मेरे घर में मम्मी पापा सब ये खाते हैं मल्टीविटामिन, डॉक्टर ने दिया, ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया है। तो यही है मेरा सप्लीमेंट का स्टैक। तो फिलहाल भाई लोग ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, आई होप तुम लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया एक लाइक कर दो, और चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
कोई एक अपने जिम दोस्त के साथ या कोई अपनी जो भाई बहन हो जो अच्छा जिम करता है, जिम पसंद है, उसको शेयर कर देना, ठीक है। और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को, भाई को सपोर्ट दिखाओ थोड़ा। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चन हो, तुम मेरे को कमेंट पे पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, तुम वहाँ पे जाके भी मेरे को पूछ सकते हो। मैं हर कोई इंसान का डीएम का मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और एक गुड न्यूज़ है, तुम्हारे भाई का 8K फॉलोअर्स हो चुका है इंस्टाग्राम में, और 2000 बाकी है 10K होने में। यूट्यूब को भी ग्रो कर दो भाई, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यूट्यूब को भी ग्रो कर दो, ठीक है। चलो कोई ना, तब तक तुम लोगों से मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल एंड पीस, बाय।